बिली चेक करो यार। अभी भी टूट गई। इसके पास ऊपर से ना एक ही चाबी है, मेरी वजह से टूटी। हो गया वारंटी, हम क्लेम नहीं कर पाए यार, उनने बिल्कुल नहीं माना वारंटी क्लेम करना। ठीक है, हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, सब मज़े में होंगे। सो भाई अभी हो रही है हमारी पांडा कूल स्टार्ट, एंड सुबह से ना अच्छी खासी धूप थी, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा मौसम ख़राब हो रहा है। सो आज ना आपको कुछ इंटरेस्टिंग सा दिखाने वाले हैं। मतलब हमें पता है कि आज हमें कहाँ जाना है, रोज़ का सीन नहीं है कि पता नहीं होता है कहाँ जाना है, बट आज पता है कहाँ जाना है। एंड आज ना व्लॉग पूरा देखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग सा व्लॉग रहने वाला है। सो फिलहाल कोल्ड स्टार्ट तो ऑलमोस्ट हो ही गई है, सो अभी निकलता हूँ शायद से ना आदिल भाई सामने वेट कर रहे हैं, सो देखते हैं। बाकी ठंड ना बहुत ज़्यादा है, एंड कोहरा भी लगा हुआ है यार। सो निकल तो ये चीज़ चेक कर लो यार, अभी पूरी बर्फ़ ऐसी है, लिंक रोड से ना बर्फ़ है यार, देख देख के निकलना पड़ता है। एंड हाईवे पर भी ना अभी साइड में बर्फ़ है। सो भाई फाइनली हम इधर से निकल रहे हैं, आदिल भाई और मैं। रोड सूखा होना चाहिए फिर मज़ा है, सूखे रोड में ना अलग ही मतलब कॉन्फिडेंस मिलता है, डर नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन गीले रोड पे डर रहता है यार थोड़ा सा, कहीं खिसक विसक ना जाए। सो भाई एक खुशखबरी और एक दुख खबरी भी कह सकते हैं, जो कहो वो। सो अपने कैमरा की जो थी ना वो वारंटी थी, बट सीन क्या हुआ आपको पता है, मैंने इधर वो खुलवाया लोकल शॉप से, सो सीन हो गया, वारंटी हम क्लेम नहीं कर पाए यार, उनने बिल्कुल नहीं माना वारंटी क्लेम करना। ठीक है, तो यार वो सीन हो गया। अदरवाइज़ अगर मैं इस उसको इधर नहीं छेड़ता ना, खुलवाता नहीं ना इधर पे, सो वो बोल रहे थे कि हम आपको नया कैमरा दे देंगे। वैसे भी हमने अब नया कैमरा ऑर्डर कर दिया, मेरे को थोड़ा सा डिस्काउंट मिला उसमें। ठीक है, सो फिर हमने नया कैमरा ऑर्डर कर दिया, सो अभी उसमें ना थोड़ा टाइम लगेगा आने में। ओहो हो भाई 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 आदिल भाई यार क्या कर रहे हो, ओह शिट शिट कितना गंदा फंसा वो यार। मैं तो आराम से चलने वाला हूँ मार्केट में, क्योंकि भाई इधर गिरेंगे कम, चोट कम लगेगी, लेकिन खजल ज़्यादा होंगे। सो भाई यहाँ पे हो गया बहुत बड़ा सीन यार, ये देख रहे हो अब क्या बनेगा यार। ऑलरेडी लेट हो गया था यार, चाबी भी टूट गई। इसके पास ऊपर से ना एक ही चाबी है, मेरी वजह से टूटी। ये चाबी ना इधर पे लगा के थी, मैंने उठा के यहाँ पे लगा दी, मुझे क्या पता यार इसका लॉक अलग है, सो ये चाबी टूट गई। सो भाई फाइनली हम इधर से निकल रहे हैं, आदिल भाई, साजिद भाई और मैं। सो चलो जल्दी से चलते हैं, ठंड ना बहुत ही ज़्यादा होने वाली है, अभी हो भी रही है। सो अगर आपको थंबनेल और टाइटल से पता चल गया होगा कि क्या है तो ठीक, अगर नहीं तो आगे आपको पता चल जाएगा, बहुत भयंकर सीन होने वाला है। ठीक है, सो साइकिल लवर्स के लिए कुछ होने वाला है। सो अभी चलते हैं, निकलते हैं इधर से। तो फाइनली हम निकल चुके हैं, मौसम ना पूरा क्लाउडी हो रहा है यार। हमारे साइड से फिर भी मतलब मौसम ठीक ठाक था, लेकिन इधर से ना बहुत ज़्यादा क्लाउड छाए हुए हैं। सो आगे का पता नहीं क्या सीन रहेगा, बट मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। मतलब जब से कैमरा गया है ना, तब से ज़िंदगी थोड़ी ख़राब चल रही है, तब से लाइफ में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। सो क्या पता यार कैमरा के होने से ही हो, अगर कैमरा फिर से वापस आया और वो प्रॉब्लम्स भी निपट गई ना, माँ कसम मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगा। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स अभी लाइफ में चल रही है यार, क्या बताऊँ, लेकिन कर रहा हूँ यार, फुल कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हार ना मानूँ। ठीक है, एंड आपको पता ही है यार, व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है, अभी होनी नहीं है, हो चुकी है ऑलरेडी, व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन है। आदिल भाई ने बिना एक्रोपोइक मंगाया, ये देखो कहाँ से चल रहा है ब्रो, थोड़ा तो साइड रह ले। सो आदिल भाई ने बिना एक्रोपोइक मंगाया, सो इनकी बाइक में भी जल्दी एक्रोपोइक फिट होगा। शुक्र अल्लाह का कि यहाँ से सूखा रोड है, एटलीस्ट सूखा रोड तो है, ठंड है यार बहुत ज़्यादा, मतलब चलो वो क्या बताऊँ यार, मतलब वो जो ठंड वाले दिन होते हैं ना वो गए, असली जिनको कहते हैं ना ठंड वाले दिन वो गए, लेकिन आज ना ठंड बहुत हो रही है। अगर आज कहीं पे नाका लगा हुआ ना, आज सीन होना है, ऐसा मेरा दिल बोल रहा है कि भाई
अगर ना का था तो सीन होना यार, अगर नहीं था फिर पता ही है। पता नहीं आज क्यों ऐसी वाइब्स आ रही है, आगे तगड़ा ना का लगा हुआ है यार, वहाँ का वाइब पकड़ लेते हैं, बाकी देखेंगे यार, जो होना होगा होगा यार। वही बज गए पटाखे, सुनो। अरे अरे भैया, अरे भैया यार, मेरे को कहाँ घुसा दिया इनने यार, ये बहुत गंदे चलते हैं यार। ओहो भयंकर साउंड कर दिया यार, माँ कसम। अभी हम जस्ट पहुंचने वाले अपनी लोकेशन पे, सामने का ब्रिज चेक कर रहे हो, इधर हम इससे पहले भी आए हैं, बट यार ये जगह ना मेरे को बहुत ज़्यादा, ओहो हो भाई मेरे को ना बहुत ज़्यादा पर्सनली ना बहुत ज़्यादा प्यारी लगी थी कसम से। ये रहा वो ब्रिज, ठीक है, पहुंच चुके अपनी लोकेशन पे, एंड ये रहे अपने साहिल भाई। सो आज ना साइकिल पे बहुत धमाकेदार स्टंट्स होने वाले हैं, बहुत खतरनाक स्टंट्स दिखाएंगे साहिल भाई आज, ठीक है। पहले थोड़ा रेस्ट करते हैं क्योंकि हाथों की हालत टाइट होगी हुई है, उसके बाद करते हैं। तो भाई ये रहे साहिल भाई और इनकी साइकिल। साहिल भाई क्या क्या होने वाला है आज, व्हीली और कुछ नहीं, स्टॉप ही नहीं होगी। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, कर रहा है व्हीली चेक कर रहा है यार, पड़ेगा भाई। अभी टायर खुल रहा है, ठीक है, नो टायर व्हीलीज होंगी अभी, जो बहुत ही भयंकर होने वाला है। इसने ना अभी एक लॉन्ग व्हीली मारी, वो इसके पास है, इससे ले लेंगे उधर। नो टायर व्हीलीज गाइस, अभी मेरे को ढूंढना पड़ेगा किसी चीज भाई। टायर पकड़ो टायर, गाइस देख रहे हो यार, बिना टायर के कर रहा है यार, और आगे से गाड़ी भी आ रही है। वेल डन ब्रो। सो भाई आपने सारी व्हीलीज तो देख ली, अभी कुछ और होने वाला है, ये देख रहे हो। वो देख रहे हो, हैंडल भी छोड़ दी बंदे ने और उल्टा चला रहा है यार। भाई अब उठने वाली है स्टॉप ही। भाई बंदे का टैलेंट ना माँ कसम। ओहो हो, रोलिंग चेक कर रहे हो यार, भाई अभी हो रही है सर्कल व्हीली, रुक जा गाड़ी आ रही है। चल कैसे लगे आपको आज के स्टंट्स, कमेंट करके बताओ यार। ओ ब्रो फ्लाई बाय मार के चला गया बंदा।